हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया स्टॉक के बारे में, इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पर मैंने सलाह दी थी पहले 270 के ऊपर बाय करने की और 306 के आसपास का टारगेट दिया था, जो कि अचीव हो चुका है। तो अगर हम अभी स्टॉक के रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस समथिंग 306 के आसपास ही है, और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है स्टॉक का 270 के आसपास। ठीक है, 270 के आसपास का सपोर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अब स्टॉक में क्या हो सकता है, प्रॉफिट आगे होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक अभी 298 पर ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस टेस्ट करके नीचे आया है। तो रेजिस्टेंस टच करके जब नीचे आया है तो थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन हमको जो बाय करना है, खरीदारी करनी है, उसके लिए जो स्थिति बनेगी वो स्थिति बनती है। यहाँ पे मैं एक एंट्री पॉइंट लेना चाहूंगा जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। हाँ, तो अभी आपको इसमें खरीदारी करने का मौका ऑलरेडी मिल रहा है, तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, 290 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट की बात अगर मैं करूं तो इसमें आपको टारगेट जो मिलेगा लगभग 330 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे टारगेट स्टॉप लॉस 290 का लेकर के 330 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाए स्टॉप लॉस फॉलो करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। 306 के ऊपर निकलेगा स्टॉक तो आप 305 के आसपास का टारगेट लेकर चलेंगे। ठीक है, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।